एक बार फटाफट एक साथ मेरे साथ बोलो कि साइन टू थीटा क्या होगा, जल्दी जल्दी, साइन टू थीटा, टू सर टू साइन साइन थीटा थीटा कॉस साइन थीटा, थीटा तो लास्ट थीटा क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, साइन टू थीटा, टू साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा कॉस टू आर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन थीटा माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टेन स्क्वायर पूरी दुनिया जानती है cos square plus sin square equal to है। उसी में cos square plus sin square अगर माइनस कर दो cos 2 theta हो जाएगा। और कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ एक ही की जरूरत है, सिर्फ cos की जरूरत है तो एक के आगे 2 लगाएंगे दूसरे को 1 कर देंगे। जैसे cos square minus sin square equal to 1 है, cos square minus sin square equal to 1 है, ठीक है बच्चे। तो जिसको 2 करेंगे आगे उसके पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो cos square minus sin square equal to 1, ठीक, तो कॉस के आगे अगर टू लगाएंगे तो साइन की जगह वन लिख देंगे, सिर्फ वन, जैसे टू कॉस स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू कॉस टू थीटा। और अगर साइन के आगे टू लगाएंगे तो कॉस को वन कर देंगे, कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर। टैन के टर्म में क्या होगा जल्दी बोलो, टैन के टर्म में क्या लिखोगे बच्चों, साइन कॉस टू टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर कॉस टू थीटा को टैन के टर्म में कैसे लिखेंगे बोलो जल्दी बोलो, माइनस टैन स्क्वायर वन माइनस टैन स्क्वायर वन प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है ना। और tan 2 होगा तो ऑफ कोर्स tan के टर्म में आएगा। अच्छा ये डेरिवेशन कैसे होगा, ये जो भी मैं कह रहा हूं ये डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे आएगा ये डेरिवेशन बताओ बच्चों। जो भी फॉर्मूला है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करना है, sin² + cos² से डिवाइड करना, नहीं सिंपली cos² से डिवाइड। जैसे 2 sin थीटा cos थीटा है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे 1 से, 1 को लिखेंगे sin² + cos² और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² से डिवाइड कर दो, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसके अलावा एक जो हां बताया था साइन सी प्लस साइन डी का, साइन टू थीटा को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसका फायदा क्या होता है कि कॉस 22.5 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा, कॉस 45 इक्वल टू कॉस 45, अगले 45 को 2 इंटू 22.5 टू कॉस स्क्वायर माइनस वन वैल्यू आ गया, ठीक है। ये नोट्स रिवाइज कर लेना बच्चों आप लोग, साइन 22.5 ऐसे ही है। और इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, तो वो आपको कहाँ पे करना है, मॉड्यूल से। मैंने तो क्या किया, डबल एंगल कराया, चार क्वेश्चन किए, पांच क्वेश्चन किए, लेकिन अब देखो चार पांच क्वेश्चन में क्या है कि तो आप जेई फाइट नहीं कर सकते ना, उसके लिए 50 क्वेश्चन करने होंगे, तो 50 क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ पता चला कि डबल एंगल पे ही चार क्लास हो गया, तो ट्रिगोनमेट्री की कम से कम 40 क्लासेस हो गई, तो 2-3 महीने में ट्रिगोनमेट्री पढ़ा, तो ऐसे कैसे होगा। तो ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसका मॉड्यूल आपको करना है और जरूर करना है, ठीक है। उसके बिना ज्ञान तो रहेगा लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओ, तो ये जरूरी है क्वेश्चन करना, ठीक है। फिर अगेन ये ऐसे रूट वाली चीज है, टू कॉमन लेके वन प्लस कॉस थीटा करके वो लूप में चलता गया, फाइनली वो बाहर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये साइन सी प्लस साइन डी भी लगा के साइन टू थीटा लगा करके कॉमन वॉमन लेके कट पिट करके और लास्ट में आंसर आया था 4। अब चलिए, ऑलरेडी आप जानते हो, हर्षित सर ने आपको पढ़ा चुके हैं कि यूनिट सर्कल वाला, हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ। जब चार क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, तो किसी में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, और ऑफ कोर्स जब साइन होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी होगा, एक्स अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं। और सामने आ जाता है कॉस और इधर आ जाता है टैन, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कुछ लोगों ने बैठ के डिसाइड किया था कि चलो एक काम करते हैं, इसमें साइन को पॉजिटिव कर देते हैं, इसमें कॉस को पॉजिटिव कर देते हैं और इसमें टैन को पॉजिटिव करते हैं, ऐसा है क्या, ऐसा क्यों हुआ कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ऑल पॉजिटिव कर रहे हैं, सेकंड में ही साइन कर रहे हैं और फोर्थ में कॉस कर रहे हैं और थर्ड में टैन कर रहे हैं, बोलो। क्योंकि अगर मान लो आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, मान लो कि अगर 120 सर, इसमें परपेंडिकुलर और जो बेस होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं, हाँ, ये एंगल बच्चों अगर मान लो कि 120 है, थोड़े से थीटा के इक्वल होता और y sin थीटा, इससे सारे डेविएशन होते हैं, तो हमने तो एक यूनिट सर्कल में इसका वो उसको मान रहा है ना, हम तो क्या कर रहे हैं एक यूनिट सर्कल के अंदर जितनी चीजें बन रही है जो काउंट कर रहे हैं ना, तो मान लो सर्कल का रेडियस, तो जब 120 बनेगा तो यही एंगल बनेगा ना बच्चे, और वो 120 चाहिए, तो साइन 120 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो देखो ना, परपेंडिकुलर ये है ना और हाइपोटेन्यूस ये है ना,
तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, क्योंकि सिंपली परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस। आप फॉरेन राइटर की जितनी किताबें देखोगे ना तो वाई नहीं लिखता है, वो राइज बोलता है, क्योंकि देखो ना जितने वाई एक्सिस है वो सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस को लोग क्या बोलते हैं, राइज, और एक्स एक्सिस को लोग बोलते हैं रन, इसको बोलते हैं राइज। जितने फॉरेन से किताबें पढ़ोगे, मैंने फॉरेन की जितनी ट्रिगोनोमेट्री किताबें पढ़ी है, सब में एक्स एक्सिस को रन और वाई एक्सिस को राइज। वाई एक्सिस मतलब ऊपर नीचे और एक्स एक्सिस मतलब दाहिने बाएं, तो उसी जगह मैं हिंदी ट्रांसलेशन बोलता हूँ। तो आपका परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन होगा। तो जब तक सेकेंड क्वाड्रेंट में वो सर्कल घूमेगा तब तक तो परपेंडिकुलर ऊपर ही रहेगा ना, बोलो बच्चे रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर। और तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो टिल आपका क्या है, देखो ना मैं इकट्ठे कनेक्ट करके बता ही देता हूं। हाँ, टिल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक वो रहेगा, देखो ये इधर आया, बहुत छोटा हो गया हमारा, ठीक है ना, और ऊपर करो। परपेंडिकुलर जब भी रहेगा तो क्या रहेगा बच्चे, कहीं भी एक ट्रायंगल अगर बनेगा तो जो भी परपेंडिकुलर होगा चाहे जैसा होगा वो ऊपर ही होगा। देखो इन सारे केसेस में परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर की तरफ ही है, देखो इन सब में। और हाइपोटेनियस तो क्या है, वन है, हम यूनिट सर्कल का मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे केसेस में क्या है, परपेंडिकुलर ऊपर रहेगा और हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और एच अपोजिट पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में करके देखो, इसी चीज को मैं पलट के आपको थर्ड क्वाड्रेंट में बताता हूं। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बोल बताओ, नीचे नेगेटिव और हाइपोटेनियस तो हमेशा वन है, तो परपेंडिकुलर नीचे है, तो जब नीचे जब आप जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो नेगेटिव हो जाएगा परपेंडिकुलर। वैसे तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस में देखूं, ऊपर को मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, नीचे को नेगेटिव कर रहा हूँ, दाहिने साइड को पॉजिटिव कर रहा हूँ, बाएं साइड को नेगेटिव कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, नेगेटिव, और हाइपोटेनस क्या हो गया, नेगेटिव। आपका ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बेस के तो परपेंडिकुलर नेगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव है, क्या हो गया ओवरऑल नेगेटिव, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव। कॉस का उसी तरह देखो क्या हो जाएगा, बी बाई एच, तो बेस आपका किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है या आगे की तरफ है, बेस तो बच्चे आपका यही है ना, बेस ये रेड वाला है, नेगेटिव होगा, तो बेस पीछे की तरफ है, तो ऑफ कोर्स बेस क्या होगा आपका, नेगेटिव, और हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया। टैन क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि टैन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव कट के पॉजिटिव, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, वो जो घूम रहा है ना, और ये जो ट्रायंगल सर, हाइपोटेनस नेगेटिव होगा इसमें, क्या क्या नेगेटिव होगा बच्चे, हाइपोटेनस, ना 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 ना, हाइपोटेनस तो यूनिट सर्कल है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव है, हाइपोटेनस माइनस वन होगा ना, वो तो माइनस वन। हाइपोटेनस तो बच्चे क्या है ना, कि ऐसे टिल्टेड लाइन है ना, आप एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे या वाई एक्सिस पे मूव करेंगे, वही चीज पॉजिटिव नेगेटिव है। हाइपोटेनस तो क्या है ना, कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हाइपोटेनस यूनिट सर्कल को हमेशा पॉजिटिव लिया गया है, हाइपोटेनस यूनिट सर्कल ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी क्वाड्रेंट में या फिर वो, हाँ, अब देखो जिस भी क्वाड्रेंट में अपने आप अब आपको समझ में आ जाएगा, आप कहने की जरूरत नहीं है, हर क्वाड्रेंट को चेक कर लो, अपने आप आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेंट में जाके उठा लो, तुम फोर्थ क्वाड्रेंट लो, ऐसे सर हम यूनिट सर्कल ही क्यों लेते हैं और सर्कल नहीं ले सकते, ये आपका तो वन है ही, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप ऐसे उठाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, कुछ हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है, एक सेकंड रुको बच्चे, उसके बाद मैं आपको डाउट, अगर कोई एंगल इतना बड़ा है कि घूम के इतना आ गया और उसका कॉस थीटा निकाले, तो कॉस थीटा तो राइट साइड में है ना, बेस तो क्या होगा आपका, थीटा तो यही है ना, तो बेस तो क्या हो गया आपका, बेस तो ये वाली लाइन हुई ना, येलो वाला, अभी देखना, तो येलो क्या है, राइट साइड में एक्स एक्सिस के, तो पॉजिटिव, और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव,
हाइपोटेन्यूस नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें अगर टैन करे तो टैन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या है नेगेटिव और बेस पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव। साइन क्या है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस तो खैर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो दिस इज द रीजन सर्टेन क्वाड्रेंट में सर्टेन चीजें पॉजिटिव है और सर्टेन चीजें नेगेटिव। तो इसका एक इम्पैक्ट क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं बस दिखाने के लिए, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो एक अलग चैप्टर है वो नहीं, कि अगर कोई ट्रायंगल का मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं तो वो क्या होगा। तो ये देखो ये क्या है कि इफ साइन एक्स इक्वल टू 4/5 एंड कॉस वाई लिखो, कॉस वाई इक्वल टू 5/13 या -5/13, ठीक है ना। एंड एक्स कॉमा वाई जो है आपका ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, देन निकालना क्या है, cos ही ले लो, cos ऑफ x माइनस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर, sin x दिया है, cos y दिया है, cos x माइनस y चाहिए। अगर आपको कुछ और कलर चाहिए, साइन एक्स 4/5, कॉस वाई -5/13, एक्स और वाई दोनों 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, कॉस ऑफ क्या चाहिए बोलो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। एकदम सिंपल है, सबसे पहले तो अपन रिक्वायरमेंट देखोगे ना, चाहिए क्या बोलो, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, फॉर्मूला बोलो बच्चे, सर cos x cos y plus sin x sin y है ना। अमन है क्या क्लास में आज की, रिजल्ट से एकदम खुश होकर एकदम मिठाई विठाई बांटने मंदिर तो नहीं चला गया क्लास होल्डर। तो अब देखो इस जो चीजें चाहिए, cos x नहीं है, cos y गिवन है, ठीक है, sin x गिवन है, sin y नहीं गिवन है, ये दोनों येलो गिवन है और दोनों ब्लू नहीं गिवन है। तो दोनों ब्लू तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड हमें निकालना है तो राइट साइड की तो सारी चीजें मालूम होनी चाहिए ना, एक भी चीज मिसिंग हो जाएगा तो वेरिएबल में आ जाएगा। तो कॉस एक्स भी चाहिए, साइन वाई भी चाहिए, तो कहां से जुगाड़ होगा कॉस एक्स का बोलो, कॉस एक्स को हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यही तो cos x देगा, बताओ cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos square x इक्वल टू 1/5 cos x इक्वल टू अंडर रूट बोलो, अंडर रूट 3/5 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो माइनस क्या हो जाएगा 3/5। तो डायरेक्टली ऐसे कैसे मैंने -3/5 लिख दिया, और माइनस क्यों लिखा मैंने, बिकॉज़ cos स्क्वायर x, ये मैंने माइनस क्यों लिखा है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है ना। मैं तो चाहूँ तो ये फॉर्मूला भी नहीं लिखता, मैं तो फॉर्मूला बस आप लोगों को याद सामने आ जाए कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ होता है इसलिए लिख दिया, अदरवाइज मुझे तो क्या है बच्चे इस फॉर्मूले को भी जरूरत भी नहीं है। सर आप तो सर हो तो आपको तो सारी चीजें पता ही होंगी, तो आपको जरूरत नहीं, नहीं सर होने से नहीं होता है, ये आपके साथ भी होनी चाहिए। पाइथा ट्रिपलेट याद रख लो, अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि एक एक करके वो क्वेश्चन निकालना पड़े तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, फिर तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं करते इतनी महंगी चीजें, इतनी महंगी चीज तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे देखो सबसे फ्रिक्वेंटली जो पाइथा ट्रिपलेट यूज होता है बोलो, 3/4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस भी लगा सकते हो उसमें, और उसको 2 से इनटू कर दो तो 6/8/10, और एक होता है 5/12/13, और एक होता है 7/24/25 ये होता है ना 49, हाँ
ये पाइथा ट्रिपलेट आपको याद, क्या मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस 3 और 5 होगा तो हाइपोटेनियस 3 और 4 होगा तो हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, ये उतना छोड़ो 3 4 5 ये सब राइट एंगल ट्रायंगल के लेंथ होते हैं, और ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ होते हैं तो जो सबसे बड़ा होगा वही क्या हो गया हाइपोटेनियस, 3 4 5 है तो 5 को हाइपोटेनियस होना ही है, 6 है 10 है तो 10 को हाइपोटेनियस होना है, 5 12 13 है तो 13 को हाइपोटेनियस होना ही होना है। अब बच गया 3 और 4 तो इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर, एक बेस, जो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा दूसरा बेस हो जाएगा, 6 8 10 में 10 तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा, तो जो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा दूसरा बेस हो जाएगा, सेम 5 12 13 7 24 25 तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना। ये तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25। एक चीज और याद रखना, किसी भी पाइथा ट्रिपलेट को आप किसी नंबर से इंटू कर दो तो वो भी एक पाइथा ट्रिपलेट, जैसे 3 4 5 है सबको तुम 4 4 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 12 16 20, डेफिनेटली एक पाइथा ट्रिपलेट है, डेफिनेटली गारंटीड। 6 8 10 है फ्रैक्शन से इंटू कर दो, 0.2 से इंटू कर दो, 6 8 10 को 0.2 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 1.2 ना, 1.2 1.6 और कितना हो जाएगा 10 को 1.2 से तो 0.2 से इंटू है ना 2/10 ना, हाँ तो 0.2 डेफिनेटली एक पाइथा ट्रिपलेट होगा। तो मैं एक पाइथा ट्रिपलेट को पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो खैर नहीं होता है, 0.2 कैसे होगा, फ्रैक्शन किसी से भी इंटू करो रिजल्ट आएगा पाइथा ट्रिपलेट। तो देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल है 3 4 5 को तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से 10 आया। तो अब मैं डायरेक्टली क्या कहूंगा, sin x मेरा 4/5 है, sin x 4/5 है तो पक्का p/h 4/5 रहा होगा। अब 3 4 5 को याद करो PBH तो साइन पी बाई एच होता है तो पी फोर हो गया एच फाइव हो गया तो B तो पक्का 3 हो रहा होगा ना, तो अब कॉस बी बाई एच ही तो होगा तो 3/5 ही तो होगा। मैंने माइनस क्यों लगाया है बोलो, मैंने माइनस क्यों लगाया है कॉस एक्स के आगे माइनस 3/5 सर, कॉस क्यों, कॉस एक्स कॉस वाई क्योंकि सर उसमें है सेकंड क्वार्टर और वहां पे कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ देखो ना, तो अब क्या ना कि थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है कि एंगल कहां से कहां तक है, 90 से 180। तो 90 से 180 है क्या मतलब बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, 90 से 180 है क्या मतलब सर, वो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड तो कॉस नेगेटिव होता है। तो बस 10वीं क्लास में और इस क्वेश्चन में इतना ही फर्क है कि 10th क्लास के बच्चे सीधे 1 - x² वैल्यू पुट कर देते, हम क्या करेंगे माइनस रखेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने वो तो चलो ठीक है ऐसे सोच वोच करके कॉमन सेंस से तो कर लिया, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली करें तो कैसा होगा, तो मैथमेटिकली करेंगे तो ऐसा होगा बच्चे कि साइन स्क्वायर एक्सम कॉस स्क्वायर एक्सम इक्वल टू 1 होगा। अब साइन एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे 4/5 तो 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 16/25 मतलब 9/25। अब स्क्वायर जैसे ही उस साइड रूट में जाएगा तो या तो आगे प्लस माइनस लगाओ या मोड लगाओ। अब मोड cos x क्या है 3/5, स्क्वायर को उधर ले गया तो मोड लगाए, तो जब मोड हटेगा तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो अब हमें डिसाइड करना है एज पर क्वाड्रेंट किसको प्लस होना है कि माइनस होना है। तो अगेन नेगेटिव क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन रहेगा और प्लस साइन हट जाएगा। जैसे कई बार आप सोल्व करते हो ना तो नेगेटिव नंबर आ जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, आप एक इक्वेशन में आते हो सोल्व करते हो एक आ जाता है 13 और आ जाता है -5, तो -5 को हटा देते हो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एंड बी आर टू पॉजिटिव। तो सिंपली हमने सोल्व किया हमारा cos x 2 वैल्यू आई प्लस माइनस 3/5, क्या आया माइनस 3/5, तो प्लस ओमिट हो गया। जरूरी कि हर बार बेचारा ना माइनस के साथ ही ना इंसाफ ही होगा क्या, हर बार माइनस ही हटेगा क्या, तो जो क्वेश्चन में गिवन था तो उसके हिसाब से प्लस हट गया माइनस रह गया, तो सेम तो कॉस एक्स क्या हो गया माइनस 3/5। सिंपली कॉस वाई दिया है -5/13, तो बताओ साइन वाई क्या होगा बोलो, साइन वाई क्या होगा बताओ जल्दी से, 12/13
12 बाई 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो 5 और 13 तो ऑलरेडी है तो बचा 12, और चूंकि सेकंड क्वार्ट में है तो पॉजिटिव। अब सारी चीजें हैं, cos x कितना, हाँ बोलो सर, जो cos x है वहां पे ये नहीं लग सकता perpendicular, सॉरी sin x पे perpendicular upon hypotenuse, और उसके बाद फिर sin जैसे 90 और is equal to, और मतलब greater than x, तो उससे सिंपल से पता चल जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर माइनस लगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसी के हिसाब से सिंपली आपको एंगल एक ना एक वो जरूर देगा, ठीक है। नहीं सर, एक सेकंड रुकना, हाँ तो कुछ ना कुछ एंगल जरूर देगा, एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट सेट हो जाएगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको पता है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, बस अब वैल्यू पुट कर देनी है, तो कॉस कितना हो गया। हाँ सर, जो sin x है ना उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी जैसे आप लगाओगे ना तो होगा क्या कि वैसे तो देखो PBH हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन रेफरेंस हमारा ऐसा है ना कि अगर ट्रायंगल हमारा उल्टा बन रहा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, P को थोड़ी देर के लिए टेम्पोरी नेगेटिव कॉस, ठीक है। समझा नहीं, बार दोबारा प्लीज। पाइथागोरस भी अगर आप करोगे तब भी देख लो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा, तो मान लो पी और बी की वैल्यू दिया हुआ है, मान लो बी और एच का दिया हुआ है, बी और एच दिया हुआ है, मान लो बी दिया हुआ है आपका 3 और एच दिया है 5, तो पी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25 होगा, 9 को उधर ले जाओगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 16, अगेन स्क्वायर को जैसे रूट करोगे तो आगे प्लस माइनस होगा ही ना, तो वो प्लस माइनस तय होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं एक जगह तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, रुक के। हाँ तो सर उसके बाद क्वाड्रेंट से वो जो देते रखा कंडीशन कि sin x इज इक्वल टू है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका p पॉजिटिव होता है, बेस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ना आपका p और b दोनों नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे आपका b पॉजिटिव होता है और p नेगेटिव होता है, अपने आप ट्रायंगल बना के देख लो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पी और बी का साइन है, एच ही एक ऐसा जो हमेशा पॉजिटिव होता है, पी और बी फर्स्ट और सेकंड में ऊपर होंगे ना। हाँ तो सर कंडीशन भी तो दे रखी है ना वहां पे कि मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको पी और बी का साइन पता है, एच हमेशा पॉजिटिव ले लो, अपने आप साइन एक्स कॉस एक्स निकाल लो, तो उसमें अपने आप जो पॉजिटिव आना है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आना होगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ सर, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है? क्या कितना होता है बच्चे? सर हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि वो रेडियस मान के चलते हैं, रेडियस वो घूमते रहता है, ठीक है ना, यूनिट सर्कल का जो रेडियस है ना, तो देखो अप एंड डाउन क्या हो रहा है, ऊपर वाली दिखा देना, ऊपर वाली, रुको एक मिनट ऐसे दिखाता हूं, क्यों मैंने, हाँ वही तो, मैं तो एक मिनट, क्या है यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल चार्ट ना GIF, तो फिर टाइम कहीं ज्यादा लग जाए, आज खत्म भी करना है इसको, इतना इसमें आया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा लिंक, एक बार देख लेना। इसमें हाथ से हाँ दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये उतने अच्छे से नहीं है, अभी देख लो क्या पड़ा दिख रहा है, जैसे यहां से हो रहा है कंट्रोल, देखो हाँ सेम टाइम पे दिख रहा है, इसमें बहुत ही पतला है, अच्छे वर्ग वर्ग दिखा रहा है, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा देखना, वो जैसे जैसे घूमता है ना
तो आपका देखना पी जो है जीरो से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एकदम पी पहले जीरो रहेगा, बढ़ते 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 क्या होगा 90 पे जाके वन होगा, और फिर घूमते घूमते मतलब पी वैल्यू फर्स्ट लेके ऐसे होता जाता है कम छोटे से लेके बड़ा होते होते थे और फिर उसके बाद छोटे, लेकिन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा आपका पी ऊपर ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पी आपका नीचे रहेगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बी आपका राइट साइड में रहता है तो पॉजिटिव रहता है, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है नेगेटिव रहता है, और वो जो सर्कल है चूंकि वो घूमता है तो उसका रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो एक लेंथ हमने पहले फिक्स किया है और उस लेंथ को घुमाया जा रहा है, तो पी आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो वेरिएबल है, पी आपका लेफ्ट है तो वो वेरिएबल है, और रेडियस क्या है बच्चे वो लेंथ वन है और वो फिक्स है, तो डिस्पाइट डायरेक्शन उसका कभी वैल्यू चेंज नहीं होता है और उसका साइन वाइन का उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रेडियस पहले हमने वन एज्यूम किया, अब उस वन रेडियस को जैसे जैसे हम एंगल पे घुमाते जाएंगे तो आपका परपेंडिकुलर चेंज होता जाएगा, बेस चेंज होता जाएगा, तो जो वेरिएबल होगा उसी का साइन देखा जाएगा ना, रेडियस तो हमेशा वन हमने कॉन्स्टेंट रखा है, फिक्स रखा है, वन रखा है, तो वो कभी चेंजेस नहीं होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हाँ तो बस अब इसकी वैल्यू पुट करो और उसके बाद आ जाते हैं cos ऑफ y, cos ऑफ y कितना है माइनस 5/13 ना, sin x कितना है 4/5 और sin y कितना है 12/13 तो 15 और प्लस 48 ठीक है, अब बच्चे सिंपल इस पे आ जाओ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आज का एजेंडा भी है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्यूशन लिखना, उसके पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दूं कि क्वाड्रेंट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट नहीं मतलब ये एक्सिस के बारे में, जो एक्स एक्सिस है स्टार्ट मतलब वो जो हम एंगल बनाते हैं तो जैसे जैसे ये थीटा घूमते जाएगा वैसे वैसे एंगल अलग अलग बनता जाएगा ठीक है ना, ये देखो बच्चे जैसे जैसे घूमता गया अलग अलग है, इसको अगर मैं मोड़ करके और नीचे ले आऊं तो ये और आ जाएगा तो फिर और इतना बड़ा एंगल बन जाएगा राइट, तो दसों चक्कर लगा सकता है ना, एंगल आपको पता है ना ट्रिगोनोमेट्री में वो 500 डिग्री भी हो सकता है तो या 720 या 750 भी हो सकता है, तो 750 कैसे बनेगा पहले एक राउंड लेगा 360 फिर 720 और फिर 30 तो कितना हो जाएगा ये 750 डिग्री, तो 750 टेक्निकली कितने के इक्वल है 30 डिग्री के, या फिर 360 प्लस 30 कर लो 390, तुम एंगल 30 कहो या 390 कहो या 750 कहो तीनों में कोई फर्क नहीं, तीनों में कोई फर्क नहीं, तीनों सेम रहेगा 30 390 750 तीनों एंगल सेम, क्योंकि पोजीशन तो अल्टीमेटली क्या है सेम ही है, बट फिर भी 750 एंगल कहा जा सकता है, 390 एंगल कहा जा सकता है, मैं 120 कहूं या एक चक्कर 360 लगा के फिर 120 जोड़ू ठीक है, मैं 120 कहूं या फिर उसमें क्या करूं 360 और जोड़ दूं तो 480 को एक ही बात है ठीक है, तो मल्टीपल चक्कर लगा के कितने भी क्या किए जा सकते हैं एंगल बनाए जा सकते हैं, तो ज्यादा बेटर हम किसके टर्म में याद रखें पाई के टर्म, ठीक है, तो हमारा पाई 180 डिग्री होता है तो 180 एंगल बनेगा तो एक पाई हुआ ना, और फिर 180 बनेगा तो कितना हुआ 2 पाई और फिर 180 बनेगा तो 3 पाई और फिर 180 बनेगा तो बोलो 4 पाई फिर अरे 5 पाई ना सॉरी फिर उसके बाद 5 पाई जल्दी बोलो कुछ पैटर्न दिखा सेवन ऑड इवन सारे ऑड पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और ये सारा क्या है इवन पाई ये मैं अच्छे से लिख दूंगा तो ऑड पाई क्या है ये पूरा एक्सिस अब मुझे बताओ कि 11 पाई होगा तो कौन सा होगा बताओ 11 पाई सर ऑड लेफ्ट वाला और अगर 12 पाई होगा तो ये 12 में भी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला है ठीक है 12 में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन काफी काम आने वाला है ठीक है ना तो सारे ऑड पाई ये है और सारे इवन पाई ये ठीक अब इसके बाद एक चीज और आओ तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया राइट अब वाई एक्सिस को देखते हैं
तो पहला कितना है पाई बाई टू, इसको दूसरे पाई बाई टू 90 मतलब पाई बाई टू है ना, और फिर उसमें 180 जोड़ देंगे तो नीचे वाले पे आ जाएंगे ना, तो पाई बाई टू प्लस पाई कितना होगा 3 पाई बाई टू, और फिर पाई जोड़ेंगे तो बोलो 5 पाई बाई टू, और फिर पाई जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई, राइट, फिर 9 पाई बाई टू, हाँ क्या हो गया बोलो बच्चे, 11 पाई बाई, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है कोई बताएगा? 4 सर, 4 के डिफरेंस में बन रहा है, 4 क्या सर, 2n + 1 पाई बाय 2 सर, बोलो बच्चे, 2n + 1 पाई बाय 2 + 2y, ये सारे इवन से एक कम है, ये सारे इवन से एक ज्यादा है, और सारे बात तो एक ही है, 6 को मैं इवन से भी तो एक कम बोल सकता हूं, बट अगर 1 से कंपेयर करूं, मैं अगर 2n से कंपेयर करूं 2n से, और n 1 रखूं तो 2 आएगा ना, मैं अगर पहले इवन नंबर से कंपेयर करूं 2 से, n की जगह अगर मैं 1 रखूं तो 2n मेरा कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, तो 2n से अगर मैं 1 कम कर दूंगा तो 1 आ जाएगा ना, और 2n में मैं अगर 1 ऐड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा ना, पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर वेयर n बिलोंग टू, तो पॉजिटिव y एक्सिस क्या होता है 2n - 1π/2, और नेगेटिव y एक्सिस क्या होता है 2n + 1π/2, ये याद रहेगा, हालांकि उसकी उतनी जरूरत नहीं है बट फिर भी रेफरेंस के लिए ठीक है चलेगा, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी हमें जरूरत सिर्फ किसकी है, नेगेटिव और पॉजिटिव x एक्सिस की, लेकिन y का याद रखो कि 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ना है पूरा, और कुछ नहीं है, जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक अच्छे से आता है चुटकी में वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कर खत्म कर देगा एकदम एक चुटकी में, सर एक डाउट, तो अभी ऑड वाले को छोड़ दो, क्या सर ये जो आपने 2n + 1π/2 लिखा है उसमें सर अगर सॉल्व करेंगे तो 2 रखेंगे n की वैल्यू तो वो 2n + 1 से 5π/2 हो जाएगा, हाँ तो एक पर्टिकुलर n के लिए, जैसे मान लो कि n मैंने 7 रखा तो कितना हो जाएगा 5π/2, n 7 रखा तो 7 कितना हो जाएगा, या 3 रखा तो अगर मैं 2n - 1 में 3 रखूं तो कितना हो जाएगा 5π/2, जैसे मुझे अगर करना है 5π/2 से 7π/2 तो मैं क्या कहूंगा 2n - 1π/2 से 2n + 1π/2 वेयर n बिलोंग टू 3, तो एट ए टाइम एक n पे तो 2n - 1 और 2n + 1, हाँ ये कह सकते हो कि सर मैं किसी एक n के लिए मैं 2n - 1 से भी 5 ला सकता हूँ और 2n - 1 से मैं 7 भी ला सकता हूँ, तो दो अलग अलग n हो गए ना बच्चे, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 2n - 1 वाला उसमें negative n odd n होंगे और 2n + 1 वाले में सारे वो होंगे even n होंगे, हमें positive x से negative x बोलना है, जैसे मान लो कि मुझे 90 से 270 बोलना है तो मैं कहूंगा 2n - 1π/2 से लेके 2n + 1π/2 where n equal to 1, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो 2n - 1 अपने आप छोटा वाला हो जाएगा और 2n + 1 अपने आप बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है ओके सर, हाँ तो अब देखो मेनली अभी तो आपको क्या याद रखना है कि जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो क्या है, बोलो बोलो बच्चे नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या है, हेलो odd multiple of pi by 2 odd multiple of pi by 2 और positive axis x axis even multiple of pi by 2, तो ये जो positive x axis है इसको मैं 2n pi बोल सकता हूँ क्या, yes sir, जो positive x axis है उसको मैं 2n pi बोल सकता हूँ, ठीक है, अब इसका use क्या है सबसे बड़ा, अच्छा negative x axis को क्या बोला जा सकता है, और n पाई, नहीं n पाई में तो जैसे अगर आप n पाई कहोगे n की जगह 4 रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, क्या बोलोगे नेगेटिव वाले को, अगेन 2n + 1 n + 1 में भी प्रॉब्लम है ना, अगर आप n + 1 पाई कहते हो और मैं n 7 रखूंगा तब तो 8 पाई हो गया ना, तब भी कहां होगा, कुछ ऐसा रखो कि चाहे सामने वाला कुछ भी पुट कर ले उसको ऑड होना ही होना है,
तो टू एन एक ऐसा टर्म है ना कि एन आप इवन रखो कि ऑड रखो वो हमेशा इवन होगा, और टू एन प्लस वन कहो या टू एन माइनस वन कहो ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा ऑड होगा, क्योंकि टू एन इवन होगा ही होगा, वन जोड़ दोगे तो ऑड या वन घटा दोगे तो ऑड। तो टू एन माइनस वन जब लिखते हैं तो हम एन को नेचुरल नंबर रखते हैं, और टू एन प्लस वन रखते हैं तो एन को होल नंबर रखते हैं, क्योंकि जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है ना। तो इन जनरल हम टू एन माइनस वन ही बोलते हैं और एन को नेचुरल नंबर रखते हैं। खैर, अब अगर ये बताओ बच्चे कि अगर मैंने कभी कहा कॉस थीटा इक्वल टू, मान लो मैं कह रहा हूं वन बाय रूट, तो बताओ थीटा कितना। असली कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहां से होती है, अब तक जो पढ़ा ना वो सब ऐसे ही था, कॉस थीटा इक्वल टू अगर वन बाय रूट टू कह रहा हूं, 45 डिग्री कितना होगा बच्चे, 45, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू 45 एक पर्टिकुलर आंसर है, थीटा इक्वल टू 45 क्या है, एक पर्टिकुलर आंसर है। मैं कह रहा हूं 360 आके अगर मैं पीछे लूंगा, माइनस 45 भी अगर लूंगा तभी तो 45 ही होगा ना बच्चे, फिर तो 1/√2 cos, अगर मैं माइनस 45 करूं तब भी तो cos 45 होकर तो 1/√2 आएगा, तो माइनस 45 आंसर क्यों नहीं है। मैं पूरा एक राउंड लगा लूं, पूरा एक राउंड और फिर 45 कर दूं, यानी कि cos कितना 405 कर दिया मैंने, cos 405, तो cos 405 कितना होगा, 360 प्लस 45, तो cos 360 को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी वो कितना हो जाएगा cos 45 और कितना होगा 1/√2। तो cos 45 और कोई पूछेगा तो एक ही आंसर होगा, लेकिन cos थीटा इक्वल टू और कह देगा 1/√2 तो कितने आंसर हो सकते हैं बोलो सर, इन्फिनिटी लाख आंसर हो सकते हैं। तो मुझे उन सब आंसर को समेटना है, मुझे कुछ ऐसा कहना है कि वो सारे आंसर लपेटे में आ जाए, तो कैसे होगा बोलो, थोड़ा सिर्फ दिमाग लगाओ बच्चे, कि मुझे ऐसा कुछ थीटा लिखना है कि तो सारे थीटा क्या है कवर हो जाए, सारे थीटा अगर 1/√2 है तो जो बिल्कुल बेसिक थीटा होगा वो तो चलो 45, लेकिन इस 45 को मैं कहां कहां ले जा सकता हूं, एक राउंड लगा करके ऊपर भी तो ले जा सकता हूं ना, सोचो ना, मैं पूरा एक राउंड लेके आया और ऊपर 45 चला गया तो बात तो वही हो गई ना, या मैं पूरा एक राउंड लेके आया और नीचे चला गया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है ना बच्चे, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव है, तो मैं पूरा एक राउंड लेके आया और नीचे चला गया नीचे, तब भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और अल्टीमेटली वो कितना हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा। या मैं दो चक्कर लगा के आया और 45 ऊपर चला गया, या मैं दो चक्कर लगा के आया और 45 नीचे चला गया, तो मैं कितने भी इस एक्सिस में कितने भी चक्कर लगा के आऊं, ये जो येलो वाला है, और इससे 45 ऊपर चला जाऊं या 45 नीचे चला जाऊं, तो अल्टीमेटली वो cos 45 पे इक्वल आएगा या नहीं आएगा, इतना बताओ। हाँ सर आएगा, आएगा सर, चला आएगा तो है। और ये वाला ये जो येलो एक्सिस है इसका नाम क्या है सर, x-axis 2n pi, ये 2n pi ही तो है, घूम के तो बेटा तुम यहीं पे आओगे, और उसके बाद तुम ऊपर पाई बाई फोर जाओ या माइनस नीचे पाई बाई फोर जाओ, बस खत्म। अब अगर कोई कहेगा, मैं ये आंसर दूंगा, कोई कहेगा मैंने अपने मन में सोचा था माइनस 45, मैं कहूंगा है ना माइनस 45, एन की जगह जीरो पुट करो, एन की जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस 45 क्योंकि नीचे माइनस तो है। कोई कहेगा मैंने 405 सोचा था, कोई बात नहीं, तो एन की जगह वन रखो, तो एन की जगह वन रखो तो 2π प्लस पाई बाई फोर, 2π कितना हो गया 360 और पाई बाई फोर कितना हो गया 45, लो आ गया तुम्हारा 405। तो ऐसे कोई हजार राउंड भी लेके अगर 45 जोड़ेगा तो मैं एन की जगह 500 रख दूंगा, तो 500 गुना 2 कितना हो जाएगा 1000, ये देखो ना 2n पाई है, एन की जगह मैं 500 रख दूं तो 500 गुना 2 1000 पाई, और ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, तीसरे क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते, नेगेटिव हो जाएगा,
दूसरे क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते, नेगेटिव हो जाएगा, तो या तो पहले में रहोगे या चौथे में रहोगे। तो पहला और चौथा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नजदीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या तो तुम ऊपर चले जाओ या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे चले जाओ, बात एक ही है। तो मैं घूम फिर के 2n पाई पे आया, या तो ऊपर गया या नीचे गया। तो अगर cos थीटा इक्वल टू और cos अल्फा है तो बताओ क्या होना चाहिए सर, 2n प्लस माइनस पाई। तो थीटा इक्वल टू मैं 2n पाई चक्कर लगा के आऊंगा, या तो ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन बोलना अच्छा रहेगा ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलने से तो अच्छा ना ये रहे हम बोले। तो इसको कुछ रटने की जरूरत है क्या, बताओ बच्चे, बोलो। नो सर, समझ नहीं आया। पहले बताओ ये समझ आया या नहीं आया? यस सर, आ गया, क्लियर है ना, क्योंकि 45 बोलते हो दैट इज करेक्ट आंसर, बट दैट इज वन ऑफ द आंसर, नॉट ऑल ऑफ द आंसर। हमें सब बोलना, हमें ऐसा बोलना है कि वो कोई भी पार्टिकुलर आंसर बोले, हम इनको कुछ नंबर पुट उट करके वो पार्टिकुलर आंसर पुरा देंगे। देखो ना, तुम्हारा आंसर इसमें है, इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। समझ में आया बच्चे? तो कॉस के लिए क्या हो गया, अगर कॉस थीटा इक्वल टू कहीं भी कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू अल्फा नहीं होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 45 है तो थीटा 45 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं थीटा 200-405 भी रखूंगा तो कॉस 405 कॉस 45 के बराबर होता है। मैं 765 भी रखूंगा ना तो कॉस 765 कॉस 45 के बराबर होता है। तो कॉस थीटा कॉस 45 है तो मैं थीटा 765 क्यों नहीं बोलूं, और मैं थीटा 765 बोलूंगा तो आंसर मेरा सही माना जाएगा, तो क्या गलत है उसमें? समझ में आया? तो अब यही चीज आप लोग मुझे क्या करो, टैन के लिए बताओ कि अगर टैन थीटा इक्वल टू 1 है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं चाहिए, जनरल। पर्टिकुलर सोल्यूशन तो 45 दसवीं क्लास के बच्चों को आता है, आप तो अब 11th के बच्चे हो और वो भी अल्फा कैटेगरी के बच्चे हो। तो अब आप बताओ, थोड़ा दिमाग सोचो, एक मिनट का टाइम में टाइम दे रहा हूं, और उसके बाद नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं, खुद वो करूंगा, क्या कहते हैं बताऊंगा। टैन में ऐसा क्या होना चाहिए ताकि जनरल सोल्यूशन बता सको, सोचो ऐसी कौन कौन सी जगह जा करके मैं टैन की वैल्यू 45 के बराबर, मतलब टैन थीटा 1 के बराबर रख सकता हूँ, कौन कौन सी जगह है सोचो, और उस सब को एक साथ कैसे लिखा जा सकता है। सर 2n माइनस पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 2। 2n माइनस पाई बाय 4 या प्लस पाई बाय 4? सर माइनस पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 2। सर तीन डिजिट है, तीन रखी है। एक तो आप लोग क्या कर रहे हो, इवन पाई को एक प्लस कर दे रहे हो, ठीक है। और टैन कहाँ पे पॉजिटिव होता है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में। और बताओ ना बच्चे, टेन कहाँ पे पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और टेन पॉजिटिव होता है, बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस माइनस प्लस। देखो ना बच्चे, आवाज सुन पा रहे हो ना मेरी? एक तरीका तो क्या है कि मैं इवन पाई पे आऊं और पाई बाई फोर आगे चला जाऊं, या ऑड पाई पे जाऊं पाई बाई फोर आगे चला जाऊं, यही ना। यहां से भी अगर मैं पाई बाई फोर आगे जाता हूं तब भी तो टेन पाई प्लस पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर ही होगा ना, पॉजिटिव ही तो होता है, गलत बोल रहा हूं क्या? या वापिस एक राउंड लगा के आऊं
और फिर पाई बाई फोर आगे, या वापस इधर से ग्राउंड लगा के आऊं और फिर पाई बाई फोर आगे। तो ऑड पाई से भी क्या करना है, पाई बाई फोर आगे निकल जाओ तो टेन जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें चले जाओगे ना, या इवन पाई से भी पाई बाई फोर चले जाओ तब भी टेन जिसमें टेन पॉजिटिव होता है पहुंचाओगे। तो मुझे तो अब ऑड इवन पाई का कोई झगड़ा है ही नहीं ना, मैं तो सिंपल कहूंगा किसी भी पाई पे रहो तुम पाई बाई फोर आगे चले जाओ, इवन पाई पे हो तब भी पाई बाई फोर आगे चले जाओ सही जगह पे हो, ऑड पाई हो तब भी क्या हो पाई बाई फोर आगे चले जाओ सही जगह पे हो, यस और नो? तो मैं तो सिंपली कहूंगा कि तुम किसी भी पाई पे हो, एन पाई बोल दूंगा, एन ऑड हुआ तब भी बल्ले बल्ले है, नो और इवन हुआ तब भी कोई टेंशन नहीं है, और बस चूंकि आगे बढ़ाना है माइनस नहीं होगा प्लस माइनस नहीं होगा, इवन होगा तब भी आगे ही बढ़ना है, ऑड होगा तब भी आगे ही बढ़ना, राइट? समझ में आया बच्चे? सर एन के आगे प्लस माइनस हो सकता है ना? क्या क्या क्या, हाँ एन माइनस में होगा तो क्या होगा उल्टा और फिर प्लस है तो आगे ही बढ़ जाएगा ना। देखो ना अगर एन किसी ने माइनस थ्री रख दिया तो माइनस थ्री का मतलब तीन चक्कर लगाया उल्टा, और उल्टा तीन चक्कर लगाने के बाद यहाँ आया और फिर पाई बाई फोर तो आगे ही बढ़ेगा ना, प्लस का मतलब तो वहां से मुड़ना पड़ेगा ना उसको, तब भी तो वहीं पहुंच जाएगा ना बच्चे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एन पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो टू एन पाई मत बोलो क्योंकि टू एन पाई का मतलब देखो ये इधर देखना एक मिनट, ये सिर्फ है टू एन पाई और ये एक जो कि इवन है और ये है ऑड लेफ्ट साइड, तो हमें तो ऑड इवन से मतलब ही नहीं ना, हमें तो बस किसी भी पाई पे जाए वहां से आगे बढ़ जाए, इवन पाई पे जाए तब भी पाई बाई फोर आगे बढ़ जाए, ऑड पाई पे जाए तब भी आगे आगे पाई बाई बढ़ जाए। तो हम इवन ऑड का डिस्कशन कर ही क्यों रहे हैं टैन के केस में, टैन को तो किसी भी पाई से आगे बढ़ना है पीछे नहीं जाना है, क्योंकि ऑड पाई से पीछे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इवन पाई से पीछे जाएगा नेगेटिव, तो प्रॉब्लम है ना, ठीक है? तो आपको अगर सर नेगेटिव वैल्यू आएगी कैसे, तो नेगेटिव वैल्यू बच्चे ऑलरेडी काउंटेड रहेगा, जैसे मान लो कि टैन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई वन आ गया, तो टैन थीटा हम कितना ले लेंगे माइनस 45, अब मेरा थीटा ये हो गया ना, अब मैं कहूंगा इवन पाई एन पाई और प्लस थीटा यानी के माइनस 45, तो एन पाई कितना हो गया माइनस 45, तो अपने आप देखो ऑड से माइनस 45 तो पीछे चला गया तो नेगेटिव हो गया, और इवन से भी माइनस 45 तो पीछे चला गया तो नेगेटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव वैल्यू को आप एडजस्ट कर लेते हो ना और नेगेटिव आता है तो बस थीटा प्लस बाहर कर लो थीटा को अंदर भेज दो और थीटा तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है। तो अब मुझे बताओ कि इसका जनरल सॉल्यूशन ये समझ में आया कि नहीं? आ गया, आ गया ना। अब असली टैलेंट मैं तब मानूंगा जब साइन का तुम लोग सोच के बताओ, if sine theta equal to 1 by 4 right theta general solution theta f sochu kaise hona chahiye kaise kaise rakhe taki sin theta mujhe har hal mein 2 hi mile sochu aise to mujhe roughly bata do फिर उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका वही है, पहले रफली सोचो फिर अपने आप आ जाएगा। बताओ सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, tan पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसा क्यों सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था सर? हाँ फिर से बताओ, फिर से लिख दो अगर गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं। यस सर आप ये बता दीजिए जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट। आप लोग एक अच्छा रुको एन पाई प्लस माइनस पहले साइन का करते हैं फिर बताता हूं, साइन का करते हैं फिर बताता हूं। साइन का जल्दी सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 की पॉजिटिव हो पहले तो यही बताओ सर, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 बहुत हद तक ठीक है, लेकिन बदमाशी करने वाला बंदा बदमाशी कर सकता है सर, एन एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 सर, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 अगर आप एन पाई प्लस माइनस एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 6 करते हो ठीक है, तो आपका कहना है कि देखो यहाँ पे आए तो प्लस पाई बाय 6 चला जाना और अगर यहाँ पे आए तो माइनस पाई बाय 6 चला जाना, यही ना? सॉरी 30 लिख लो। हाँ जी सर आपका ये तो सोचना है कि जब इवन पाई पे आओ तो 30 डिग्री आगे बढ़ जाना और ऑड पाई पे आओ तो
तो 30 डिग्री पीछे बढ़ जाना, तो ठीक है ना। यहाँ पे तो साइन 180 माइनस 30 कितना होता है, साइन 30 ही होता है। तो सोच तो आपकी सही है, लेकिन सामने वाला उसको माने तब ना। सामने वाला कहेगा अच्छा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स बोला है, तो मैं एन की जगह टू रख लेता हूँ, और प्लस माइनस पे तो कोई ऐसा रूल सेट है नहीं, तो मैं माइनस सिक्स देता हूँ, तो टू पाई माइनस सिक्स। या फिर सामने वाला सोचेगा कि मैं थ्री पाई ले लेता हूँ, और जब थ्री पाई तो ऑड पे गिरेगा लेफ्ट साइड में, तो फिर मैं प्लस कर लेता हूँ, तो ऑड पाई लेफ्ट साइड में प्लस, तो फिर तो इधर चला जाएगा, तो नेगेटिव हो गया ना। तो सामने वाला तो क्या कर रहा है, आपके साथ मजाक कर रहा है, आप जो चाहते हो ना आपके ठीक उल्टा कर रहा है वो। और ऐसा कोई रूल है नहीं यहाँ पे जो आपने कहा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, तो उसमें तो आपने सामने वाले को मजबूर नहीं किया ना, समझ उसको भी है। लेकिन झगड़े में क्या होता है कि आदमी रूल से खेलता है, वो तो कहेगा तुमने कहा था एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, तो एन मैंने टू पाई लिया तो माइनस कर लिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टू पाई है तो प्लस नहीं कर सकते, तुमने तो बोला नहीं, तुमने सिंपली बोला एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, तो एन टू रखा और माइनस कर लिया, और एन थ्री रखा और प्लस कर लिया। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तुम उल्टा करो। जब तुम इवन पे जाओ राइट साइड वाले में, इवन पाई पे जब तुम जाओ, इवन पे पाई पे जाना तो प्लस करना, जैसे अगर टू पाई हो, फोर पाई हो, सिक्स पाई हो, तो तुम प्लस पाई बाई सिक्स करना। और अगर ऑड पाई पे जाओ, पाई हो, थ्री पाई हो, फाइव पाई हो, तो उस पे भाई माइनस करना। ये चीज तो समझ में आ रही है ना। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखे, देखो बहुत हद तक जिसने भी ये बोला है एन पाई प्लस माइनस सिक्स 90% क्लोज है, लेकिन दिक्कत एक वही आ रही है कि सामने वाला समझते हुए भी बदमाशी कर सकता है। उसको पता है कि इवन पाई पे आगे जाना है, ऑड पे पीछे आना है, लेकिन वो कह रहा है कि अरे इसकी बात को तो गलत साबित करना है ना, हमें कुछ ऐसा लिखना है ताकि इसकी बात भी सही हो जाए एन पाई प्लस माइनस सिक्स, और फिर भी आंसर गलत हो जाए। तो अब हमें उसके अच्छा इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इवन पाई पे आगे बढ़ना है, पाई पे पीछे जाना है, मानते हो उस बात को, यस और नो, बोलो बच्चे। यस आगे और ऑड पाई पे पीछे होना है, यानी कि जब इवन पाई हो तो प्लस हो जाए और ऑड पाई हो तो माइनस हो जाए, ये चाहते हो ना, उसको मजबूर yes, तरफ समझ आ गया सर, माइनस वन की पावर एन। हाँ यही सुनना चाह रहा था मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली इवन, जब वो बंदा एन इवन ले तो प्लस ऑटोमेटिक आ जाए, और ऑड ले तो माइनस ऑटोमेटिक आ जाए, उसके चॉइस पे नहीं रहे। तो एक छोटी सी चीज बच्चों आप लोगों को जोड़नी थी, जो आपने सोचा है बिल्कुल करेक्ट सोचा है, एन पाई प्लस रखो और माइनस वन की पावर एन और फिर पाई बाई सिक्स, एक नई चीज जोड़ दी उसमें। अब क्या होगा, एन वो जैसे ही टू लेगा तो माइनस वन की पावर टू को हो जाएगा प्लस, और एन जैसे ही थ्री लेगा तो माइनस वन की पावर थ्री माइनस, तो हो गया ना कि जब भी इवन पाई लेगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब भी ऑड पाई लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पीछे आना पड़ेगा। तो ये फंडा क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। तो सोल्यूशन तीनों के आप लोग आप फटाफट बोलेंगे, यहीं पे एकदम समराइज करके मैं लिखता हूं और तुरंत क्वेश्चन करते हैं 10 मिनट में और फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। अगर साइन जल्दी बोलो बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो बोलो थीटा और अल्फा में क्या कनेक्शन होगा, जल्दी बोलो बच्चों। थीटा इक्वल टू किसी भी पाई पे जाओ, और माइनस वन की पावर एन एक ऐसी चीज है ना जो इवन पे प्लस देगा और ऑड पे माइनस देगा, माइनस वन की पावर एक ऐसी चीज है जो इवन पे प्लस देगा और ऑड पे माइनस देगा, इवन पे प्लस देगा और ऑड पे माइनस देगा। तो बस हमें यही तो चाहिए कि जब भी इवन वो आगे बढ़े और ऑड पे पीछे चला जाए, तो माइनस वन की पावर एन एक छोटा सा क्या था, जैक था, वो लगा दिया और ये कितना हो गया अल्फा, राइट। अब तुरंत बोलो cos of theta equal to cos of alpha होगा तो क्या कनेक्शन होगा, जल्दी बोलो फटाफट बोलो बच्चों, cos of theta equal to cos of alpha होगा तो बोलो क्या होगा। चलो मैं यहाँ पे आओ, आगे जाओ या पीछे जाओ, आगे जाओ या पीछे जाओ, तो सिंपली पहले उसको इवन पाइप पे तो लाना ही लाना है, और इवन पाइप पे आने के बाद तो इवन पाइप पे लाने के लिए 2n पाई कर देंगे, और वहां आने के बाद तुम ऊपर जाओ या नीचे जाओ कोस को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बच्चे, ठीक है।
अब करो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा लिखो, अब बोलो फटाफट क्या होगा कनेक्शन, बोलो ना बच्चे। टैन कहेगा कि भाई तुम इवन पाई पे भी आगे जाओ ऑड पाई पे भी आगे जाओ, मुझे बस किसी भी पाई पे जाओ उसके बाद आगे बढ़ना, तो किसी भी पाई पे जाओ उसके बाद आगे बढ़ना। अच्छा जो साइन का होगा वही क्या होगा, कॉसेक का होगा, और जो कॉस का होगा वही सेक का होगा, जो टैन का होगा वही कॉट का होगा। तो ये तीनों का याद हो गया, तो बाकी के तीनों का तो ऑटोमेटिक याद हो गया ना। तो अब बात क्या है ना कि आपको पता चल गया कि साइन थीटा इक्वल टू 45 है, तो क्या लिखोगे फिर, एग्जांपल देके पकड़ लो। अरे एग्जांपल क्या भाई, हो ही जाए सेम ही एग्जांपल, ठीक है जल्दी बताओ। अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या है बच्चे, 1/√2, ठीक है। तो कैसे करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, फिर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और 45। सेम अगर कॉस थीटा इक्वल टू अगर 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिखेंगे बोलिए, कॉस 60 और थीटा इक्वल टू 2n पाई। हालांकि पाई में लिखे तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू अगर मेरा 1/√3 है, तो इस 1/√3 को क्या लिखूंगा, tan 30, ठीक है। और फिर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, ठीक है। अब 30 का हो या पाई बाई 6 को एक ही बात है, ठीक है। 60 या बोलो पाई बाई 3, और 45 या पाई बाई। तो अब ये क्या होगा ना कि इतना इजी नहीं देगा चीज, देखो ना साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हो तो ये तो लिख ही लोगे ना। तो अब वो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 को सीधे सीधे दे दे, तब तो एकदम चिंदी क्या हो जाता, एकदम चिंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो इतना चिंदी क्वेश्चन आपको देगा कैसे, थोड़ा तो घुमा फिरा करेगा ही ना, ठीक है। तो वो क्या देगा मैं ये बताता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको देगा कैसे, चलो देता हूं पाई बाई 8 कह लो, या फिर सॉल्यूशन दे रहा हूं। चलो एक आध क्वेश्चन इस पे देता हूं, फटाफट सोल्व करो। जनरल सॉल्यूशन पे सोल्व करने के लिए क्वेश्चन चाहिए ना, चलो एक सेकंड। कुछ ऐसे देता हूं जिससे प्रॉपर आंसर आ रहा हो, ताकि आप लोग आंसर लिख भी सको। इनवर्स तो आप लोग को आता नहीं ना, तो एंगल हर हाल में क्या चाहिए, 0, 30, 45, 60 चाहिए ना। एक सेकंड, लेट मी थिंक कि ऐसा कोई क्वेश्चन एक बार फ्रेम कर लें, एक मिनट का टाइम लगेगा। मैथ साइंस किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं,
एक सेकंड है बच्चों, लो माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू रूट थ्री प्लस वन कॉस ऑफ एक्स एंड फोर प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी करते हैं। तो निकालना क्या है साइन एक्स? हाँ सर, साइन एक्स निकालना है या फिर एक्स निकालना है? एक्स की वैल्यू निकाल लेना, एक्स की। ओके सर, बस फटाफट दो क्वेश्चन करो। इसमें देखो साइन एक्स या कॉस एक्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक्स ऐसा क्या रखें ताकि ये वैल्यू पुट उट करने के बाद ये सारे जीरो हो जाए, उनको ये चाहिए। मुझे ऐसा एक्स बताओ कि इसमें पुट करने के बाद और वैल्यू आने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाए, क्या हो वो, कौन सा एक्स हो? देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, ये क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे बिना स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है ना, इसको क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में सॉल्व करके और एक दो डब्बे बना के हर डब्बे की वैल्यू निकाले तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उस क्वाड्रेटिक में पंगा क्या है, ये कॉस है और ये साइन है। जैसे समथिंग फोर टी स्क्वायर और प्लस फाइव टी हो तो आदमी मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले, लेकिन यहाँ पे तो कॉस है और यहाँ पे साइन है। सोचो ना इस साइन स्क्वायर को कॉस बनाने में कितना देर लगेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म? नहीं, यस सर, दो मिनट बस। तब कर लो, फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर और कितना हो गया, टू रूट थ्री कॉस एक्स प्लस टू कॉस ऑफ एक्स, और ये फोर प्लस रूट थ्री होता है, फोर रूट थ्री नहीं है। ठीक है, और ये माइनस फोर और प्लस फोर और प्लस और ये सर फोर कॉस स्क्वायर एक्स अब क्या करोगे, कितना कॉमन आ सकता है, टू कॉमन आ रहा है तो टू कॉस एक्स कॉमन ले लो, टू कॉस एक्स प्लस रूट थ्री और इससे क्या हो गया वन, टू कॉस एक्स और प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, या तो टू कॉस एक्स प्लस वन और फिर टू कॉस एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो या तो cos x कितना हो जाए माइनस वन बाई टू या फिर cos x माइनस रूट थ्री। अब बताओ cos x अगर माइनस वन बाई टू है तो x कितना होगा, एक टैलेंट तो यहीं पे दिख जाए सर, एक बार ऊपर करना सर 120। हाँ लास्ट क्वेश्चन, cos x अगर माइनस वन बाई टू है तो x कितना होगा सर 120। माइनस सिक्सटी मत बोल देना, पता लगे साइन की तरह, अगर साइन थर्टी वन बाई माइनस वन बाई टू है तो थर्टी थीटा कितना होगा
तो वैसे सोचा साइन 30 माइनस 1 बाई 2 है ना, तो 1 बाई 2 कितने पे होता है, 30 पे, तो माइनस लगा दिए, तो माइनस ये नहीं चलेगा क्योंकि कॉस तो माइनस को खा जाता है ना, कॉस में तो माइनस थीटा बोलोगे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कॉस को नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ता है। ये 12th क्लास में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है, 12th क्लास का दूसरा पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन सेम आपके 11th की तरह, और दूसरा चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि अभी मैं 12th में पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, बस जिसने ट्रिगो पढ़ लिया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को तो 2 दिन में उड़ा देगा, 2 दिन में 12th का चैप्टर। खुद सोचो ना, माइनस तो हो नहीं सकता है क्योंकि कॉस को तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो पहले हम सोचेंगे पॉजिटिव, कॉस 60 होता है 1/2, तो अगर ये सेकंड में चला जाएगा तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा ना, कॉस थीटा अगर सेकंड में है तो ऑटोमेटिक नेगेटिव है। तो इधर से 60 बोल दो ना, तो नीचे 60 ले जाने की जगह सेकंड में 60 ले जाओ, और सेकंड में 60 कितना हो जाएगा 120, और 120 का क्या मतलब 2π/3। सेम कॉस एक्स कितना है, -√3/2, तो √3/2 कितने पे होगा 30 पे, तो नीचे ले जाने की जगह सेकंड पे ले जाओ, नीचे ले जाने की जगह सेकंड पे ले जाओ, और सेकंड कैसे जाएगा 30-3 यानी कि 150 यानी कि 180 यानी कि 5π/2। तो अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2nπ±2π/3, x इक्वल टू 2nπ±5π/6। तो यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन ही बाय डिफॉल्ट लिखना है, और जनरल सॉल्यूशन की बहुत ज्यादा क्लास 12th में जरूरत पड़ेगी। तो इस वाले टॉपिक पे मैं एडिशनल 8-10 क्वेश्चन भेज दूंगा, वो आपको करना ही करना है, या मैं सिंपली ग्रुप में भेज दूंगा मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। ओके सर। क्या फिर से एक बार बता दूं, एक और क्वेश्चन करा दूं? सर ये वाला बताना, सिंपल आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने देखा कि यार इसको सोल्व करना है, तो नॉर्मल जैसे अल्जेब्रिक फंक्शन सोल्व होता है वैसे ही सोल्व करना है। बट अल्जेब्रिक फंक्शन सोल्व करने में क्या, अगर स्क्वायर वाली टर्म आ जाए तो क्या करते हैं, उसको स्प्लिट विल स्प्लिट लेकर क्या करते हैं, दो डब्बे बनाते हैं उसको सोल्व कर लेते हैं। तो दो डब्बे भी बनाने में एक साइन था एक कॉस था, तो साइन को 1-cos² लिखा, तो कॉस की टर्म में मुझे क्या मिला, सिंपल इक्वालिटी इक्वेशन, कॉस की टर्म में इक्वालिटी इक्वेशन, मिडिल टर्म में स्प्लिट करके ये आ गया, ये आ गया। तो जैसे तुम वहां पे x इक्वल टू लिखते हो, यहाँ पे cos x इक्वल टू है, तो cos x इक्वल टू अगर हाफ है तो थीटा सिर्फ 60 नहीं होगा, मैं 10 चक्कर लगा के भी तो 60 आगे बढ़ा दूंगा, तभी तो हाफ ही होगा ना। तो पहला आंसर ही कौन सा बोल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज है, लेट मी चेक, एनसीईआरटी के 3.3 होना चाहिए इसको, मिसलेनियस में दिया हुआ होना चाहिए। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट 4 नहीं, क्वाड्रेंट वाला तो आज बता ही चुका हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, खूब आते हैं। तो मॉड्यूल का मैं क्वेश्चन नंबर भेज देता हूं, ठीक है, मॉड्यूल आप कहां से डाउनलोड करोगे तो वो सारी चीज एक बार दोबारा मैं क्या करता हूं बच्चे स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं, यहां से रिकॉर्डिंग रहते हुए लक्ष्य इतना लेट आ रहा है एडमिट। सर यहां से सर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसलिए सर थी वो प्रॉब्लम। एक मिनट यहां स्क्रीन मैंने शेयर किया दोबारा, स्टार्टिंग में बता चुका हूं लेकिन कुछ बच्चों का मिस हो गया होगा उनके लिए है। क्या करना है यहाँ पे bit.ly लिखना, bit.ly फिर हर स्लाइस के बाद हर्षित सर एंटर मारना, इसमें क्या है आया ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखो रिकॉर्डिंग कल तक की अपडेट है, आज की रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, नोट्स कल तक की अपडेट है, ये देखो
आज के नोट्स में वापस यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक मॉड्यूल है, ये आपको सोल्व करने हैं। चलो इसमें बता ही देता हूँ क्वेश्चन लगे हाँ तो, और ये आपको पूरा करना है। ये अगर आपने पूरा कर लिया तो यू कैन से कि हाँ भाई ट्रिगो में अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं ट्रिगो का फाइटर बन चुका हूँ। तो ये कहाँ पे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ये देखो जनरल सॉल्यूशन आया अभी, कॉट थ्री थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो कॉट थ्री थीटा को क्या करोगे, कॉट थ्री का फॉर्मूला लिख लोगे, ठीक है ना, वन बाई टाइम थीटा थ्री कॉट थीटा माइनस कॉट थ्री थीटा, और कॉट थीटा कॉमन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट बन जाएगा। जनरल सॉल्यूशन देखो, टू कॉस टू एक्स इक्वल टू थ्री टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर, तो इसका कैसे होगा, cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos square x minus 1, again cos में quadratic बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो f4 general solution sin x plus sin 5x equal to sin 2x plus sin 4x, ठीक है, तो इसको कर ही लेके क्लास में, चलो एक क्वेश्चन करो, तो इसको क्या करोगे, sin c plus sin d लगाओगे, इधर भी sin c plus sin d लगाओगे, एक तो तुम्हारा sin 3x कट जाएगा, cos x equal to cos x बचेगा, उसका एक जनरल फॉर्मूला लिख देना। तो आपको कहां से कहां तक करना है, सारे जनरल सॉल्यूशन वाले ही है ना, सुनो बताता हूं, नेक्स्ट क्लास में F1 ये जो है ना नाम ही है सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो सेक्शन F आपको करके आने हैं, बस कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। सर cos 3 थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, cos 3 थीटा का सीधा फॉर्मूला लिख लो, cos 3 थीटा जैसे tan 3 थीटा होता है ना, उसी को रिवर्स कर दो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको पलट लेना, ओके, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना, हो गया, सिंपल सबके 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं अभी नोट्स के एंड में, sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसे ही tan 3 का भी होता है और cot 3 का भी होता है, तो cot 3 थीटा में ना न्यूमरेटर में cot cot आएगा, तो सीधे तुम्हारा cot कॉमन ले लेना, उसके बाद एलसीएम निकालना, कॉट स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको सॉल्व कर देना, दो डब्बे आ जाएंगे, पहला डब्बा सिर्फ कॉट थीटा होगा और दूसरा डब्बा कॉट में क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन एफ फोर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एफ फोर में क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस एक्स सिक्स एक्स बाई टू, यानी कि साइन थ्री एक्स, दूसरा भी करोगे sin 2x plus 4x sin 6x by 2 sin 3x, तो sin 3x sin 3x तो क्या होगा, कट जाएगा, ये कॉमन ले लेना, अब आएगा cos, इसमें आ जाएगा आपका 2x और इसमें आ जाएगा cos x, तो जब कॉमन लोगे तो cos 2x minus cos x, cos 2x को 2 cos square minus x, again एक quadratic बन जाएगा cos में, खत्म। तो F1 से लेके F7 तक आपको क्या करना है, और अच्छा ये F7 को बताना है एक बार, F7 का आंसर तो सामने दिख रहा है, बोलो tan 3x को तुम a मान लो और 2x को b मान लो, तो tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b नहीं है, कुछ फॉर्मूले जैसा होता हुआ दिख रहा है, तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, tan a minus b, यानी कि 3x minus 2x, यानी कि tan x equal to 1, तो x equal to क्या हो जाएगा, n pi plus pi by 4, तो F वाले क्या करने हैं आपको, सारे 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद नहीं अगर सॉल्व होगा तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करना है, ठीक है। ऐसे अब हर क्लास में करेंगे, जब भी एक क्लास होगी मॉड्यूल सॉल्व करके आना है, मॉड्यूल ही आपका डीपीपी है, ठीक है। और मॉड्यूल कहाँ पे मिलेगा, बस bit.ly, bit.ly लिंक होता है जिसको छोटा किया जाता है, bit.ly फॉरवर्ड स्लैश हर्षित सर, 2 cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, 2 cos square x minus 1, cos 2x को लिखते हैं 2 cos square x minus 1, ओके सर, ठीक है बच्चे। तो मैं ये वैसे क्या करता हूँ, ग्रुप में ये लिंक भी भेज देता हूँ, किसी बच्चे को अगर याद नहीं रहे तो ये लिंक भी भेज देता हूँ, ठीक है। अब इसी पे नोट्स वोट्स रिकॉर्डिंग कोड अब अलग अलग नहीं भेजूंगा, इसी में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसी में आपको नोट्स मिल जाएगा, पिछले तक का नोट्स अपडेटेड है, आज वाला नोट्स अपडेट करने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, अभी मैं 5, और यहाँ पे मॉड्यूल, मॉड्यूल में एफ सीरीज करना है पूरा, ठीक है, ये पूरा F1 से लेके F12 है, 12 क्वेश्चन करना है, ठीक है, ओके, डन बच्चों, ठीक है फिर, ओके बाय, सी यू, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर।
हॉल में बैठ के हॉल इतना बड़ा है कि एसी कुछ काम नहीं करता। हाँ चलो लीव कर सकते हो आप लोग क्लास।